तो फाइनली दोस्तों मैं लेकर के आपके लिए कोई न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ केआर देवता के अभी लेटेस्ट सॉन्ग की पोस्टर की पीएलपी, साथ के साथ उसका फुल ट्यूटोरियल भी दूंगा, जिससे कि आप भी वैसा पोस्टर बनाना सीख जाओगे। अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से आप आसानी से पोस्टर बना सकते हो, जैसा मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों मैं भी आपको मोबाइल से पोस्टर बनाना सिखाऊंगा, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। और दोस्तों जो मैंने पोस्टर की पीएल फाइल दी है वो दी है जिप फाइल के अंदर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों जिप फाइल के अंदर लगे हैं 6 स्टेप के पासवर्ड, 6 अंकों का पासवर्ड है, जो कि आपको वीडियो के अंदर 6 जगह कहीं पर भी मिल जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश मीणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डी के टेक में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों अपन पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, बट उसमें ये वर्क नहीं करती है, उस वजह से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके देन एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बैकग्राउंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे वाइट आपको सेलेक्ट कर लेना है। वाइट सेलेक्ट करते दोस्तों आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, क्रॉप पे जाना है एंड इसको 16:9 जो लास्ट का इस पर क्लिक करके और राइट क्लिक कर देना है, तो ये साइज आ जाएगी यूट्यूब वाली। अब यहाँ पे आपको आगे स्क्रॉल करना है एंड ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आप गर्ल फोटो इसके अंदर लगाना चाहते हो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो मैं फटाफट दो गर्ल फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये दो गर्ल फोटो सेलेक्ट कर लिए जो कि इस पोस्टर के अंदर मैं यूज में लेने वाला हूँ। तो सिंपल सा मैं इस गर्ल फोटो सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं जूम कर लेता हूँ। आप इनको दोनों फिंगर से भी जूम कर सकते हो एंड यहाँ पे ऑप्शन भी होता है उससे भी जूम कर सकते हो एंड ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देन इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे इरेज पे हार्डनेस को आपको बिल्कुल 0, ओपेसिटी को आपको 70-80 एंड साइज को भी 60-62 इतनी आपको कर लेनी है। एंड यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है जो कि इसकी बॉर्डर पर, जो अलग इफेक्ट आएगा थोड़ा। एंड यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो सेकंड गर्ल फोटो है उसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे फ्लिप रोटेट पे क्लिक करके एंड ये वाला इफेक्ट आपको इसके अंदर लगा देना है एंड इसको भी जूम करना है एंड इसको कुछ इस प्रकार यहाँ पे सेट करना है एंड इरेज पे क्लिक करना है। उसके बाद हार्डनेस बिल्कुल 0 एंड 70-80 इसकी ओपेसिटी रखनी है एंड 60 के आसपास आपको इसकी जो साइज रखनी है ब्रश की एंड इतना करके इसको यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। ये देख सकते हो मैंने कुछ इस पर अप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे स्टिकर वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे क्लिक करते आपको यहाँ पे सर्च करना है लाइट इफेक्ट, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि मुझे अभी चाहिए रेड लाइट, जैसे कि तो मैं यहाँ पे रेड लाइट सर्च कर लेता हूँ, रेड लाइट। तो देख सकते हो मुझे रेड लाइट चाहिए, तो रेड लाइट आ चुकी है एंड यहाँ से मैं रेड लाइट को यूज़ कर लूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे फ्लिप रोटेट कर लूँगा लाइट को एंड इस लाइट को मैं यहाँ पे लगा लूँगा दोस्तों इस जगह, थोड़ा सा इसको ऐसे रोटेट करके फिर यहाँ पे लगा लूँगा। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा एंड इसके बाद इसको यहाँ पे लगाने के बाद मैं वापस स्टिकर में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं जो येलो कलर की लाइट इफेक्ट है वो मैं यहाँ पर ले लूँगा एंड इसको भी ऐसे थोड़ा जूम कर लेंगे एंड जूम करने के बाद इसको यहाँ पर अच्छे से लगा देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है जो अपना बैकग्राउंड हो बन के रेडी हो चुका। आप यहाँ पे सिंगर की फ़ोटो भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना सीधा इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर ऐप के अंदर। इसके अंदर आते हैं दोस्तों, ये प्ले स्टोर मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड ये ओपन हो रहा है। इसके अभी यहाँ पे यूनिक कोड करते हुए पे क्लिक करना है, जो कि मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा यही वाला यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर जो भी आपका टाइटल है वो यहाँ पर लिख देना। मैं फटाफट अपना टाइटल लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने अपना जो टाइटल उसको लिख लिया एंड यहाँ पे यूनिक कोड करते हुए क्लिक करके एंड कॉपी पे क्लिक करके इसका यूनिक कोड यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के अंदर। इसको ओपन होते ही यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको कैंसिल एंड यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करते यूज फ्रॉम गैलरी करना आपको एंड यहाँ पर जो भी अभी बैकग्राउंड बनाया उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद जो अपना न्यू टेक्स्ट है इसको यहाँ पर डबल टैप करके डिलीट कर देंगे एंड जो अपना टाइटल है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले मैं जो ऊपर रखूँगा मारी ननद, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एंड उसके बाद जो इसका कलर है, जैसे मैं कुछ भी कर दूँगा अपने हिसाब से। जैसे मेरे को अभी ग्रीन करना है तो यहाँ पे मैं इसका कलर ग्रीन या फिर कैसा कर सकता हूँ, जैसे अभी ये कर लेता हूँ एंड उसके बाद फॉन्ट में जाता हूँ एंड जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो कृतदेव का है एंड वो फॉन्ट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना एंड उसकी मैंने वीडियो बना रखी है तो मैं आपको वो दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद इसकी साइज़ को मैं थोड़ा छोटी करूँगा एंड उसके बाद बी वाले ऑप्शन पे आके आई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा
एंड इसके स्ट्रोक वगैरह ऑन कर लूँगा सब वाइट कलर में। स्ट्रोक मैंने ऑन कर ली एंड शेडो को भी ऑन कर लूँगा वाइट कलर में, ये देख सकते हो। एंड उसके बाद आता है अपन रोटेट वाले ऑप्शन में एंड इसको -3 कर लेंगे। उसके बाद इसको ये कर लेंगे अपन कॉपी एंड इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इस पर डबल टैप करके इसको डिलीट कर देंगे। एंड इसके अंदर अपन जो मेन टाइटल अपना कमल उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये देख सकते हो मेन टाइटल मैंने यहाँ पे कमल को ले लिया एंड इसको मैं इतना करूँगा कमल को। उसके बाद इसमें कलर अपन कर देंगे रेड कलर, आपको फील करना दोस्तों। यहाँ पर मैं जैसे रेड कलर कर लिया हूँ तो इसको जो मारी नर्नाद है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन एंड उसी को अपन कॉपी कर लेते हैं वापस। कॉपी कर लिया दोस्तों मैंने एंड इस पर यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ जो पहले का लिख रखा है। एंड इस यहाँ पे देख सकते हो मैंने सीधा सिंपल यहाँ पे टाइटल लिख लिया दुखी मत राग जो छोरा। इसके अंदर मैं कलर कर लेता हूँ उसका ग्रीन, जैसे कि देख सकते हो ग्रीन कलर मुझे मिल गया एंड ये राख लिया मैंने। एंड यहाँ पे छोरा है इसके मैं यहाँ पे डॉट डॉट लगा देता हूँ दोस्तों यूनिकोड में, इससे डॉट लगता है इसमें देख सकते हो ये डॉट लग चुके हैं। ऐसे कुछ एक बार मैं इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। एंड इनको इतना करने में अब सिंगर की फ़ोटो ऐड करेंगे, इनको लॉक कर देता है दोस्तों तुरंत। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ प्लस से भी यहाँ पे ले सकते हो एंड यहाँ पे मैं सिंगर की फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैं केआर देवता को बना रहा हूँ तो केआर देवता की ये वाली फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा एंड इस फ़ोटो को यहाँ पर लगा दूँगा देख सकते हो। एंड इस फ़ोटो को यहाँ पर लगाने के बाद अभी इतना हो गया दोस्तों। उसके बाद अपन एक न्यू टेक्स्ट लेंगे एंड इस पर एडिट पे जाएंगे एंड इसको डिलीट एंड यहाँ पे सिंगर का नाम लिख लेंगे सिंगर के आर देवता देख सकते हो मैंने लिख लिया। एंड उसके बाद इसके अंदर जो कलर है वो मैं ग्रेनेडियर यूज़ करूँगा देख सकते हो ये वाले, जो कि आप भी बना सकते हो। एंड ये कलर लेने के बाद फॉन्ट में जाऊँगा एंड इसके अंदर जो इंग्लिश फॉन्ट यूज़ करूँगा दोस्तों मैंने वो फॉन्ट पिछले वीडियो में दे दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके वो फॉन्ट ले लीजिएगा। एंड ये देख सकते हो सुंदर सुंदर मैंने फॉन्ट दिए हैं, तो मैं इस फॉन्ट को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इसका। एंड उसके बाद इसमें मैं स्ट्रोक लगा दूँगा येलो कलर की, जिस कलर का अपना बैकग्राउंड है उसी कलर की मैं स्ट्रोक लगाऊंगा दोस्तों, जिससे कि फॉन्ट थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद शेडो में उसी कलर की लगाऊँगा जिससे कि और भी अच्छा लगेगा फॉन्ट अपना। एंड इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँगा, ये देख सकते हो मैंने इतना जूम भी कर लिया इसको। एंड उसके बाद प्लस पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी करके एंड अब आपको लाइट इफेक्ट दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेने हैं एंड वो लाइट इफेक्ट मैंने PNGs में दे दिए, आप जाके उनको यूज़ कर लीजिएगा। एक बार मैं लाइट इफेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ वो जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, तो इसमें से जैसे कि मैं रेड लाइट इफेक्ट का यूज़ करूँगा तो एक इफेक्ट मैं यहाँ पर लगा दूँगा एंड इसको कॉपी करता रहूँगा दोस्तों। एक मैंने इधर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दूँगा एंड उसके बाद एक इधर लगा देंगे। इन सभी को लॉक करके एंड इसको यहाँ पर क्लिक करके इनको नीचे नीचे ले लेंगे सबसे, ये दे सकते हो। एंड इतना करने के बाद दोस्तों अब अपन यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी करेंगे एंड अभी जो मैं PNG यूज़ कर रहा हूँ आपको वैसी PNG यूज़ करनी है एंड ये PNG मैं आपको दे भी रखा हूँ, वैसे आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इस PNG को यहाँ पर यूज़ किया है एंड इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा कॉपी एंड इसको एक बार यहाँ पर लगा दूँगा। उसके बाद एक बार इधर लगा देंगे इस PNG को एंड वापस इंपोर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे ये वाली गर्ल फोटो को सेलेक्ट, ये PNG सॉरी दोस्तों PNG को सेलेक्ट करेंगे एंड इस PNG को यहाँ पे और लगा देंगे। ये तिल वाली PNG दोस्तों थोड़ी अच्छी लगती है तो एंड इसको यहाँ पे लगा देंगे एंड सबको लॉक कर देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आप प्लस पे क्लिक करेंगे फ्रॉम गैलरी एंड मैं अपनी PNG फाइल में से एक और PNG को सेलेक्ट करूँगा जो कि आपको अगले वीडियोस में PNG में मैं आपको दे दूंगा, आप देखते रहिएगा चैनल पर। एंड ये जो PNG इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड इस PNG को मैं छोटा करके यहाँ पे यूज़ में ले लूँगा देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको यूज़ में ले लिया। एंड उसके बाद जो ऊपर अपने को लिखना है चैनल का नाम न्यू टेक्स्ट लेंगे एंड यहाँ पर एडिट में जाके जो भी आपका चैनल का नाम हो, जैसे कि मैं मिस्टर DK टेक परसेंट PS ये इतना लिखेंगे, यहाँ पर 3 डॉट लगा देने। उसके बाद दोस्तों जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फ़ॉन्ट दिए आपको उन्हीं को यूज़ करना है, जैसे कि मैं इसमें वाइट कलर के फ़ॉन्ट को यूज़ करते हूँ एंड फॉन्ट में जाके एंड जो मैंने आपको पिछली वीडियो में फ़ॉन्ट दिए हैं दोस्तों वही फ़ॉन्ट है इसके अंदर। आपने अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप जाके उन फ़ॉन्टों को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसमें जैसे कि मैं
फॉन्ट आपको बताया था, मैंने ये वाला फॉन्ट इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको रोटेट कर लूँगा -3 एंड दे सकते हो। एंड उसके बाद इसके मैं स्ट्रोक वगैरह को बढ़ा दूँगा रेड कलर में ही शेडो। एंड इसको इतना कर लिया। एंड उसके बाद जो अपन ये PNG है जो मुरली वाली, इसको कॉपी करके इसी को मैं इधर साइड लगा दूँगा, दे सकते हो। एंड ये अपना थंबनेल बन के रेडी है। अब आपको इसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके नीचे अल्ट्रा ऊपर PNG करके इसको सेव कर लेना है। कुछ इस प्रकार अपना थंबनेल बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और न्यू लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको पोस्टर बनाना है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड दोस्तों अगली वीडियो का टॉपिक कमेंट में कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।